तो वहां एक राजा जी मिलते हैं जो कहते हैं भाई साहब मुझे माइक दीजिए, तुम्हारे यदा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की चरणों में कुछ वंदना में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो अगली बात राजू जी की। समस्त प्रांगणवासियों, मेरे बुजुर्गो, मेरे प्रांगण, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटी बहन और मेरे भाइयों, मैं आपके सामने कविता सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना, अगर गलती हो तो यही आगे बोलना, पीछे मत बोलना। ये सूरज की किरणें आती हैं। रावण ने जब इस बात का जब पता चली, सीधा करो, हेलो भैया, सीधा करो, तो मैंने ए ओ भैया समय दिया था। आ उधर खींचो, आ खींचो और खींचो और खींचो यहां से और खींचो, सीधा नहीं है। रात नहीं बताया, हेलो ओ भैया और खींचो इधर इधर। लंकेश में क्या करूं, कृष्णा बोली लंकेश में क्या करूं। समझाया मैंने उसको नारी पति होता है, मुझको ऐसा लगता है नरचंडी माँ चंडिका है। भवानी ने रूप निखारा ऐसा, लग नहीं रहा कि वो एक साधारण स्त्री, एक पुरुषों के सहारे, हाँ ठीक है, एक गुरु के सहारे वो बैठी है और आपने इतने प्रबल दिए उसको, लेकिन फिर भी नहीं मानते। आप कैसे देखो हमारी छत्र हाथ से, ठीक है। Thank you.
देखिए कितना अहंकारी कारण है, न्याय मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं कि न्याय जो हटने का है उसके हटाने के लिए इतना प्रदेश है। ब्रिटिश सर जी ने कहा, गरीब ने भी मेरे से कहा कि नहीं जी, इसको हटाने के लिए इसकी नाभी में तीर मारो, यानी नाचिस की तीर लगा दो। तो वो मियां है लाखन अनाज गुप्ता जी, जी।